नाइन बी का सेकेंड वाला। देखिए सेकेंड वाले क्वेश्चन में नाइन बी के उसमें लिखा है कि अमित एंड हिज सिस्टर एज आर इन द रेशियो 5:4। इफ द अमित की एज दी है और पूछा किसका है, सिस्टर की एज, तो हम लिख देंगे लेट द सिस्टर एज बी एक्स। सिस्टर की एज क्या मानेंगे, एक्स मानेंगे। ठीक है, अब सिस्टर की एज एक्स मान लिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा कि अमित की एज और सिस्टर की एज का रेशियो कितना है, कितना है बेटा? फाइव रेशियो फोर। कितना है? 5:4। अच्छा अमित की एज कितनी दी है हमें, 45, और सिस्टर की हमने कितनी मानी, एक्स। क्या करेंगे, क्रॉस, पहला न्यूमरेटर 45 है तो 45 रखेंगे और दूसरा न्यूमरेटर 5 है तो 5 रखेंगे, है ना। 45 का मल्टीप्लाई किससे होगा, 4 से, और 5 का किससे होगा, एक्स से। बेटा 5 मल्टीप्लाई में एक्स की तो किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। 5 बन जा 5, 5 9 जा 45, 9 4 जा 36। तो उसकी सिस्टर की एज कितनी आई, कितनी आई, हेलो, 36 ईयर्स। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9th। हाँ बेटा, बेटा ए करवा रहा था मैं, 9B का सेकंड, किसी का डाउट था इसलिए बता रहा था, डाउट बता रहा था मैं, है ना। हाँ, अब 9th वाला देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 9th रीड करना, क्वेश्चन नंबर 9th। रीड करो बेटा। ठीक है बेटा, ध्यान से देखना, मिस जो 117 रुपीस थे वो तीन लोगों में बांटे गए, मिस्टर कोहली, मिस्टर दुबे और मिस्टर शुक्ला। तो देखो लेट, जब भी किसी नंबर को या किसी चीज को डिवाइड किया जाए, दो तीन चार कितने भी लोगों में, तो हम एक कांस्टेंट टर्म मानते हैं। लेट द कांस्टेंट टर्म कॉन्स्टेंट टर्म क्या माना, एक्स। ठीक है, तो बेटा मिस्टर कोहली को कितना रुपए मिला, 2x। मिस्टर दुबे को कितना मिला, 4x। और मिस्टर शुक्ला को कितना मिला, 7x। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बेटा, तीनों का पैसा मिला दूं मैं, तीनों का पैसा मिला दूं तभी तो 117 होगा। कितना होगा, 117, क्योंकि
क्योंकि 117 को इन तीन लोगों में डिवाइड किया जा रहा है। ये कितना हो जाएगा 13x इक्वल टू 117। बेटा ये 13x के क्या है मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में चला जाएगा, तो x इक्वल टू 117 अपॉन 13, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9। अभी आंसर नहीं आया बेटा हमारा, अभी हमें क्या करना है तीनों का अमाउंट निकालना है कितना मिला। हैंस मिस्टर कोहली गेट, मिस्टर कोहली को कितना मिला 2 × 9 इक्वल टू ₹80 और मिस्टर दुबे को, मिस्टर दुबे को 4 × 9 इक्वल टू 30। हाँ बेटा बोलो। ए वाला, ए बेटा क्वेश्चन नंबर 2 है 9B का, 9B का क्वेश्चन 2। मिस्टर एस, एस को कितना मिला 7 × 9 63, ठीक है ना। तो एक अमाउंट 18 मिला, एक अमाउंट 36 मिला और एक अमाउंट 63। तीनों को ऐड कर दोगे तो क्या मिल जाएगा 173। वो हमें करना नहीं है, हमने 173 को डिवाइड करना था, ऐड नहीं करना था, ठीक है। आगे वाला क्वेश्चन पढ़ो। हाँ बेटा ये बिल्कुल सेम टू सेम करना है, कहीं पर भी कोई समस्या नहीं जाएगी आपको, है ना। बिल्कुल ऐसा ही करना है, लेट द कॉन्स्टेंट टर्म, फिर दोनों को ऐड कर देना है, ऐड करने के बाद आपको सॉल्व कर देना है, फिर फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर निकाल देंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, आप लोग घर पे करेंगे। ठीक है, आगे देखिए। इलेवेंथ वाला रीड करना बेटा। हाँ देखिए बेटा, वन आवर को 2:3 में डिवाइड करना है। लेट लेट कॉन्स्टेंट टर्म बी एक्स, फर्स्ट टाइम, पहला टाइम जो आएगा डिवाइड करने पर वो क्या आएगा 2x और सेकेंड टाइम एक्स, ठीक है। अब आप देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बेटा दोनों टाइम का सम कितना है 1 आवर, कितना है 2x और सेकेंड टाइम कितना है 3x, और बेटा 1 आवर को हम मिनट में कन्वर्ट कर सकते हैं, फाइव एक्स इक्वल टू 60 मिनट।
अच्छा बेटा ये 5 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में चला जाएगा, हाँ फर्स्ट टाइम क्या आएगा बेटा, ट्वेंटी फोर, और सेकेंड टाइम कितना आएगा, थ्री एक्स है, एक्स की जगह क्या रख देना है बेटा, ट्वेल्व, तो 36। कोई दिक्कत, लेट कॉन्स्टेंट टर्म बी एक्स, ठीक है। अच्छा पोटैटो कितने हैं बेटा, सिक्स एक्स, टोमेटो कितने हैं, नाइन एक्स, ओनियन कितनी है, फाइव एक्स। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टोटल वेट कितना है उसका, टोटल वेट 2 kg। अच्छा टोटल वेट माने बोले तो पोटैटो का भी, टोमेटो का भी, ओनियन का भी। अच्छा पोटैटो कितनी है, 6x, 9x और 5x। इन सब का बेटा 2 kg को ग्राम में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2000 ग्राम। चलिए देखिए बेटा, तो यहां पर कितना हो जाएगा, 20x इक्वल टू 2000, एक्स इक्वल टू 2000, एक्स की क्या है मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ जाएगा, और एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 ग्राम। ठीक है, हाफ वेट ऑफ पोटैटो, वेट ऑफ पोटैटो, पोटैटो का वेट कितना है, 6x, मतलब 6 × 100 इक्वल टू 600 ग्राम। टोमेटो 9x, 9 × 100, 900 ग्राम। ओनियन 5x, 5 × 100, 500 हाँ, आगे वाला क्वेश्चन पढ़ो, 13th वाला। हाँ देखिए बेटा, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट एनरोल्ड फॉर बास्केटबॉल टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट क्रिकेट 3:1। इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट, देखिए बेटा मैं इसको ज्यादा डिटेल में नहीं करवा रहा हूं, बास्केटबॉल, बास्केटबॉल और क्रिकेट
का जो रेशियो है वो है 3:13। कितना है? 3:13। इसमें बास्केटबॉल के कितने, इसमें क्रिकेट के लिए कितने स्टूडेंट हैं? 52। बास्केटबॉल अपॉन 52 इक्वल टू 3/13। ठीक है, आप क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे। बास्केटबॉल की जगह बास्केटबॉल, 3 की जगह 3। अच्छा, बास्केटबॉल का मल्टीप्लाई किससे होगा? 13 से, और 3 का मल्टीप्लाई 52 से। ये 13 मल्टीप्लाई में तो किस में चला जाएगा? डिवाइड में। 13 वन जा 13, 13 फोर जा 52, तो बास्केटबॉल कितना हो जाएगा? 12। कितने प्लेयर ने बास्केटबॉल में अपना एनरोलमेंट करवाया? कितने प्लेयर ने करवाया? 12 स्टूडेंट। कितने स्टूडेंट? 12। आगे क्वेश्चन पढ़ना बेटा, 14th वाला। अच्छा, ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से देखना। आपको क्या दिया है? इनकम और सेविंग का रेशियो दिया है। किसका? सेविंग का। इनकम कितनी है? इनकम और सेविंग का रेशियो है 15/4। अच्छा, इनकम कितनी है? चलो मैं करवा देता हूं, है ना। इनकम का मल्टीप्लाई किससे होगा? 4 से, और 15 का मल्टीप्लाई किससे होगा? 2800 से। इनकम कितना आ जाएगा यहां पर? 15 × 2800 / 4। 4 बन जा 4, 4 7 ये आ जाए। तो इनकम कितना आया टोटल? ये आया इनकम। अच्छा बेटा, एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला क्या होता है? कितना खर्चा किया उसने? हाँ, जितना इनकम किया और जितना बचाया, अगर हम दोनों को माइनस करते हैं तो पता चल जाएगा कि उसने कितना एक्सपेंडिचर किया, कितना खर्चा किया। ठीक है ना। तो इनकम थी उसकी 10,500 और उसकी सेविंग थी 2800। 7700 ये क्या आ गया? आंसर आ गया। हाँ, किसका माइक कौन है बेटा? घर से आवाजें आ रही हैं। आगे क्वेश्चन पढ़िए। हाँ पढ़ो पढ़ो पढ़ो। हाँ देखिए, थ्री बॉयज हैं बेटा, कुछ मैगजीन्स बेच रहे हैं। टोटल प्रॉफिट 400 की हुई और प्रॉफिट उन्होंने बराबर बराबर शेयर की। ठीक है ना। देम प्रॉफिट शेयर बिटवीन देम इन द रेशियो इक्वल टू द नंबर ऑफ मैगजीन दे सेल। मतलब जिस रेशियो में उन्होंने बुक सेल की हैं उसी रेशियो में प्रॉफिट का क्या हुआ? डिवीजन हुआ। और उन्होंने बुक सेल की हैं 70, 80 और 100। हाउ मच प्रॉफिट डज ईच रिसीव? तो हर हर स्टूडेंट को, मतलब हर जितने बच्चे थे उन्होंने मैगजीन जो सेल की हैं
उनको कितना प्रॉफिट मिला, कितना प्रॉफिट मिला, रेशियो ऑफ बुक दिस सेल, बेटा एक ने बेची 70, एक ने बेची 80 और एक ने बेची 90, सॉरी एक ने 100 बेची, कितनी बेची 70, 80 और 100। बेटा इनका अगर हम तीनों से 10 से डिवाइड कर दें, रेशियो क्या होते, सिंपलेस्ट फॉर्म। और सिंपलेस्ट फॉर्म कैसे बन सकते हैं, जब हम या सेम नंबर से डिवाइड करें, तो सेम नंबर से डिवाइड हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं 10 से, तो 7:8:10। ठीक है, अब लेट द कॉन्स्टेंट टर्म बी एक्स। तो फर्स्ट बॉय की प्रॉफिट कितनी हुई 7x, सेकेंड बॉय की प्रॉफिट 8x, थर्ड बॉय की प्रॉफिट 10x। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल प्रॉफिट कितनी है, फोर हंड्रेड, कितनी है 400। 7x प्लस 8x प्लस 10x इक्वल टू 400, 25x इक्वल टू 400, x इक्वल टू 400 अपॉन 25, x इक्वल टू 60। अब बेटा फर्स्ट की प्रॉफिट कितनी होगी, फर्स्ट बॉय की, कितनी है बेटा 7x, 7 × 16 करेंगे 112। सेकेंड बॉय की प्रॉफिट कितनी होगी 8x, 8 × 16 और रुपीस 128। थर्ड बॉय की प्रॉफिट 160। हाँ देखो बेटा ये आ गया आंसर आपका, ठीक है। ये लास्ट वाला क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है।